मुमरा कौसम में पिछले 7 सालों से नीट जेई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का आईआईटियंस लर्न्स। आईआईटियंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिप ने 2022 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। आईआईटियंस लर्न्स मुमरा की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आईआईटियंस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक आईआईटियंस के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेई एग्जाम में सफलता पाने के लिए आईआईटियंस लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कड़ा विरोध और मुमरा की सामाजिक एकता की जीत, मुमरा बाईपास, मस्जिदों, पहाड़ की दरगाहों के मुद्दे पर मन से एक कदम पीछे हटी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से, यानी गत 24 मार्च शुक्रवार से ही मुमरा कौसा का माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है और गरमाने वाले हैं मनसे के ठाणे जिला, पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव। इन्होंने मुमरा बाईपास से सटी हुई कुछ मस्जिदों और पहाड़ पर बनी पुरातन दरगाहों पर इन्हें अतिक्रमण बता करके, वन विभाग की जमीन बेयर किया गया अतिक्रमण बताकर कार्रवाई की मांग कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, मगर इसका कड़ा विरोध किया मुमरा के सभी राजनीतिक दलों, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोगों ने। इस कड़े विरोध और सामाजिक एकता का परिणाम ये रहा कि अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ठाणे की शाखा इस मुद्दे पर नरम पड़ती नजर आ रही है। 27 मार्च सोमवार को ठाणे शहर मनसे प्रमुख रविंद्र मोरे फिर एक बार अपने साथियों के साथ इन्होंने वन विभाग के अधिकारी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनकी क्या बातचीत हुई वो हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद मीडिया से उन्होंने क्या बात की। तो रमजान महीना ध्यान में रखते हुए और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए मनसे ने ये मामला वन विभाग पर छोड़ दिया है। शिकायत कर दी गई है, वन विभाग सर्वे कर रहा है, वैध अवैध जो भी इसमें पाया जाएगा उस पर अब वन विभाग का काम होगा, क्या कार्रवाई करना है वो तय करना। इस तरह की बात ठाणे शहर प्रमुख मनसे रविंद्र मोरे ने की है। आपने आज भेंट की वन खाते के अधिकारियों को और क्या आपने उनसे मांग की है? मैंने 2 दिन पहले ही हम लोग आए थे, मैं खुद और जिलाध्यक्ष मनसे नेते अविनाश जाधव जी 2 दिन पहले आए थे, लेकिन सब नहीं थे, सब अधिवेशन के लिए गए थे, तो आज का दिन तय हुआ था इसके लिए आज हम लोग आए थे। हम लोग ने जो उन्होंने जो डिटेल दिया था उसके बारे में क्या हुआ है वो हमने उन्हीं को बताया। उन्होंने जो सर्वे चल रहा है उसकी पूरी मालूमात हम लोग को दी और उन्होंने बोला कि उधर सर्वे चालू है, उनका रमजान का महीना चल रहा है, तो बोला हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप तुरंत कार्रवाई करो, आपको अगर लगता है गलत तो करो, आपको लगता है ये नहीं सही है। अभी कोई लोग आप लोग ही बोल रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, तो उसका पूरा खातिर जमा वो लोग करेंगे वन के अधिकारी और बाद में सोचेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने ऐसा कभी नहीं बोला कि खाली मस्जिद ही तोड़ो, जो वन खाता का जो फॉरेस्ट का जगह है उसके ऊपर जो अनलीगल जो बनाया गया है वो हटाओ, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। अभी उनका जो मुमरा के बारे में जो उनका जो कहना था उन्होंने मेरे सामने रख दिया है, हमारे ऑफिसर लोग ये अभी वो जगह पे जाके चेकिंग करके वो आगे का डिसाइड करेंगे आगे क्या होने वाला है। अभी वो चेकिंग करने के बाद में वो पता चलेगा कुछ इलीगल है, अगर कुछ इलीगल रहेगा तो एज पर लॉ जो भी कुछ आगे की कार्रवाई होने वाली है तो होगी ऐसा। Thank you.